तो हाय एवरीवन, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको एंड तक पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश यानी कि नखलाऊ जेडआरओ की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश यानी कि ऑल उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट यहाँ पे 4 अक्टूबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 4 अक्टूबर से यहाँ पर फॉर्म चालू हो चुके हैं और आपके 2 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। जैसे कि आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो और नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं डिस्प्ले पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ऑल कैंडिडेट लॉन्ग जर्नी इंडियन आर्मी ऑफिशियली वेबसाइट विल बी टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग वेटरनरी की वैकेंसी के तहत यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा एजिबल, आपको कैंडिडेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, यानी कि आपके लिए यहाँ पर डबल खुशखबरी मिल चुकी है। यहाँ पे आपको 2 राज्यों की वैकेंसी आ चुकी है और दोनों राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी भर्ती कहाँ पे कराई जाएगी, यानी कि भर्ती कैंडिडेट आपकी कहाँ पे कराई जाएगी, भर्ती स्थान कहाँ पर रहने वाला है, उन्होंने पहले इसमें नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया है, जैसे कि अदर आरओ में और अदर जेडआरओ की वैकेंसी में नहीं किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर दें, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक 10 दिसंबर से 24 दिसंबर यहाँ पे दिख रहा होगा एट सेंटर अयोध्या, यानी कि आपकी वैकेंसी 10 दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच में डोगरा रेजिमेंट में आपकी कराई जाएगी जो अयोध्या में है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया। अब इसमें बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। भाई एक बात और इसमें बीच कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा ये है भर्ती परमानेंट है, भाई कोई फेक न्यूज नहीं है, ये रियली में परमानेंट नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात करेंगे किस कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास 12वीं कक्षा 12वीं पास, वो भी आपके पास बायोलॉजी से होना चाहिए और आपकी यानी कि 50% और ई सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्टों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आपके पास 40-40 अंक होना अनिवार्य है, यानी कि तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 17.5 से आपको 25 साल एज देखने मिल जाती है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। और यहाँ पे नीचे की साइड और करेंगे और एक्स सर्विस मैन वालों के लिए यहाँ पे छूट के हिसाब से आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। फिजिकल की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पर फिजिकल भी आपका वही सेम इंडियन आर्मी के तहत रहने वाला है जो इंडियन आर्मी पहले होता था वही। ठीक है, नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें हाइट मेजरमेंट का कुछ अभी दिखाया नहीं है, जैसे कि आपको हाइट मेजरमेंट भी अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट में मध्य प्रदेश में तो आपका 67 लिया जाता है, 1 67 लिया जाता है, तो जैसे कि इसी में भी 1 67 लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह नोटिफिकेशन जारी देखना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इस ये आपका डाउट क्लियर होते ही हम आपको लेके चलते हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो देखिए आपको ये रहा, आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ओपन डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका डाउट रहता है कि यह रेगुलर भर्ती किस प्रकार से और इसका नोटिफिकेशन कहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऑफिसर सिलेक्शंस के बगल से एक रेगुलर करके आ रहा होगा, इसी में आपकी भर्ती यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें लिखा होगा रैली नोटिफिकेशन रैली प्रोग्राम और लॉगिन फॉर अप्लाई। जैसे कि आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, आपने पहले इंडियन आर्मी की भर्ती देखी और अग्निवीर की भर्ती पहले देख चुके हो यूपी से, तो आप लोग यहाँ पे अपना लक और फिर से आजमा सकते हैं और आप एक भर्ती और देख सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन होगा आपके पास तो यहाँ पे देखिए लॉगिन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अपना जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालने के बाद आपका वही इंटरफेस फिर से खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया और यहाँ पे भी आप यहाँ से अग्निपथ से भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ अपनी आईडी पासवर्ड से, तो यहाँ पे मैं देखिए फटाफट से आपके सामने मैं लाइव डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया और इस प्रकार से आपका इंटरफेस फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एंड में आ जाना है। ठीक है, आप अग्निपथ से भी रेगुलर से भी दोनों तरह से आप लोग लॉगिन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको आना है यहाँ पर रेगुलर
जहाँ पे लिखा होगा रेगुलर, रेगुलर पे क्लिक कर देना है और इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से अपना अप्लाई कर चुका हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 तारीख में, ये मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे मेरा मध्य प्रदेश से 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे 30 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। उसकी वीडियो मैं आई बटन में सेव कर दूंगा तो आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को यार शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, भारत माता की जय।